हेलो दोस्तों, मैं नाम है मेनार्डो, आप देख रहे हैं नो एक्सट्रीम। आज मैं देने वाला हूं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के नेगेटिव डेविएशन की एक बहुत ही धांसू ट्रिक, उसके एग्जांपल्स की एक बहुत अच्छी ट्रिक, विच विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और भाई जिसने भी PYQs करे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई ऑल ओवर द वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले तो अगर आपको रॉट लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसी चीज़ें ही नहीं पता तो मेक श्योर कि इस वीडियो से पहले आप ये सब चीज़ें जान लो। और इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो देख लो। एंड बाय सेकंड थिंग, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बाद अगर नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की थ्योरी नहीं पता तब भी भाई इस वीडियो से पहले मेक श्योर कि आप वो चीज़ें जान लो। अगेन मैंने उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो के देख लो। अबे ओ चूतिया, अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पता ही नहीं होता तो हम ये वीडियो क्यों देखते? तो अपने प्रमोशन की बत्ती बना के अपनी गांड में डाल और वीडियो शुरू कर। ओके तो गाइस, ये उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ट्रिक है जो मिलके एक नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एटलीस्ट उनकी ट्रिक पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स हैं कौन कौन से। सो लेट्स मूव ऑन इट। सो गाइस, ये वो एग्जांपल्स हैं, वो सॉलिड और सॉल्वेंट्स हैं जिनकी हम आज ट्रिक पढ़ने वाले हैं। अब शायद इस फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, सो लेट मी क्लियर इट फॉर यू। नाउ यहाँ पर एसीटोन, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म इस तरीके से लिखे हुए हैं, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम इन तीनों को साथ में मिला दें तो हमें एक नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन मिल जाए। बल्कि इसमें एसीटोन एक कॉमन थिंग है, मतलब अगर हम एनिलीन को सेपरेटली सिर्फ एसीटोन के साथ मिलाएं देन वी विल गेट डेफिनेटली ए नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन। सेम तरीके से अगर हम क्लोरोफॉर्म को सेपरेटली यानी सिर्फ और सिर्फ एसीटोन के संग मिलाएं तो भी हमें एक नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये इस फॉर्मेट में इसलिए रखे हैं क्योंकि बिना इसके आपको ये सारे एग्जांपल्स अलग अलग रटने पड़ते। लाइक एनिलीन एंड एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, एज वेल एज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। बट इस तरीके से रख के हमें ट्रिक में थोड़ी सी आसानी होगी। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में अगर हम HCl को सेपरेटली वाटर के साथ मिलाएं तो हमें एक नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन मिलेगा, एज वेल एज अगर हम सेपरेटली यानी सिर्फ नाइट्रिक एसिड को सिर्फ वाटर के साथ मिलाएं तब भी हमें एक नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सिमिलरली तीसरे में भी वी विल गेट ए नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग डाइएथाइल ईथर इनटू द CaCl3 सेपरेटली, एज वेल एज वी विल गेट ए नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग बेंजीन इनटू द CaCl3 सेपरेटली। अबे चूतिया, ये सारे एग्जांपल्स हमने पहले देखे हैं, जब नहीं याद हुए तो इसीलिए इनकी ट्रिक चाहिए। अब या तो ये ट्रिक तू हमें दे दे या फिर हमारा ले ले। सो गाइस, ये वो ट्रिक है जो अभी हमें याद करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसे 2-3 बार एकदम राइमली एकदम परफेक्टली बोलेंगे ऊपर से नीचे ले में, और उसके बाद अपने वर्ड्स को एक्चुअल जो आपके पास केमिकल है उनको इससे मैच करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज अकेले चले फार्म पे, देखो मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है ना। आज अकेले चलें फार्म पे, हिलाएंगे, पानी निकालेंगे, चूसेंगे, दवाएंगे और इतिहास बनाएंगे। हो भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम स्वागत करने जा रहे हैं, ट्रिक व्रिक तो जाए बाहर में, ठीक है ना। सो और मैं अपनी बताऊं तो भाई मुझे ये इरोटिक वर्ड्स हों, एब्यूसिव वर्ड्स हों, ऐसी वर्ड्सों की ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से याद होती है, जल्दी याद होती है और लंबे टाइम तक याद रहती है, इंस्टीड ऑफ इट के वो दो बोरिंग वर्ड्स जो होते हैं ट्रिक के। मेरे संग तो ऐसा है, शायद आपके संग भी ऐसा हो। तो अगेन एक बार बोलते हैं, और भाई इसको कम से कम 2-3 बार बोलना। आपको कितनी भी अच्छी कोई भी ट्रिक दे दे, कुछ भी दे दे दुनिया में, आप जब तक उसको रिवाइज़ नहीं करोगे, अनटिल यू रिवाइज इट, तुम उसको याद नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी 2-3 बार याद करने के बाद आप बिना देखे उसको लिखना पेपर पे, ठीक है ना। तो लेट अस रिपीट इट। आज अकेले चलें फार्म पे, हिलाएंगे, पानी निकालेंगे, चूसेंगे, दवाएंगे और इतिहास बनाएंगे। आज अकेले चलें फार्म पे, हिलाएंगे, पानी निकालेंगे, चूसेंगे, दवाएंगे और इतिहास बनाएंगे, ठीक है ना। अब फाइनली हम मैच करते हैं अपने वर्ड्स को। तो आज मतलब एसीटोन, अब इतना तो पता ही है, कोई भी ट्रिक याद करो तो उसके एक्चुअल मतलब जो भी वर्ड्स हैं इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल जो उस ट्रिक में बैठ रहा है
केमिकल वो याद करना पड़ता है ना, ट्रिक तो याद ही इसीलिए करते हैं। ठीक है, तो आज से मतलब है आपके पास एसीटोन, अब ये जरूर याद कर लेना, ये ऐसा इतना भी वो मत करना कि भाई आज से एसीटोन है कि एनिलीन है जे ही भूल गए, ठीक है ना, तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। सो आज मीन्स फॉर एसीटोन, अकेले मतलब आपके पास एनिलीन, चलें फार्म पे, क्लोरो क्लोरो मतलब चलें सी फॉर सी, तो ठीक है पूरी पूरी राइमिंग आपकी बैठ रही है, फार्म मतलब फार्म, तो क्लोरोफॉर्म चलें फार्म पे। नेक्स्ट देन इट, हिलाएंगे पानी निकालेंगे, तो हिलाएंगे मतलब SCL पानी यानी वाटर, और निकालेंगे एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब पहले मैंने नहीं बताया, ठीक है ना, तो निकालेंगे का मतलब आपके पास नाइट्रिक एसिड तो है, बट इसको किसी भी कीमत पे आप HNO3 से याद मत करना नाइट्रिक एसिड को, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो यू विल डेफिनेटली कन्फ्यूज फॉर हिलाएंगे, हिलाएंगे में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, हिलाएंगे मीन्स फॉर HCl, बट यहाँ पे आप क्या कर दोगे HNO3 भी कर सकते हो, तो निकालेंगे का मतलब आप सिर्फ नाइट्रिक एसिड याद करना, नाइट्रिक एसिड को HNO3 मत लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द CHCl3 डाईएथाइल ईथर एंड बेंजीन, तो आपके पास चूसेंगे दबाएंगे और इतिहास बनाएंगे, चूसेंगे मीन्स फॉर CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, दबाएंगे और इतिहास, आप चाहो तो और को हटा सकते हो इसमें से, कोई मीन्स नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द राइमिंग, मैंने सिर्फ राइमिंग के लिए किया है, इससे ट्रिक जल्दी मतलब याद हो जाती है, मतलब परफेक्ट रहती हैं। दबाएंगे और इतिहास बनाएंगे, दबाएंगे मतलब डाईएथाइल और इतिहास, इतिहास मतलब ईथर, ई मतलब ई, ठीक है ना, दबाएंगे और इतिहास बनाएंगे डाईएथाइल ईथर, और इसके बाद बेंजीन यानी बनाएंगे, बनाएंगे मतलब आपके पास बेंजीन। सो या दिस इज योर कंप्लीट ट्रिक। अब यहाँ पे एक चीज़ जरूर अटपटी सी लगी होगी आपको, मैंने आपको ये चीज़ तो पहले ही बता दी थी कि एसीटोन और समथिंग कॉमन वाली चीज़, ठीक है, मतलब एसीटोन यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब ये है कि एनिलीन को सेपरेटली एसीटोन के संग मिलाओ, नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन पाओ। सेकेंडली क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के संग मिलाओ सेपरेटली, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है ना, मतलब इस यहाँ एनिलीन नहीं होगा तब भी हमें एक नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वाटर कॉमन है, इसका मतलब है वाटर को हम पहले HCl के संग मिला दें तब हमें एक बार मिल जाएगा, और वाटर को नाइट्रिक एसिड के संग अलग मिला दें तब भी हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ ये है, एक डिफरेंट अटपटी चीज़ ये है कि एसीटोन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड हाफ में एसीटोन जो कि कॉमन है वो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, सेकंड वाले में आपके पास वाटर जो है वो फर्स्ट पे नहीं है, ना 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 ना, वो सेकंड पे है, और थर्ड वाले में आपके पास CHCl3 आपके पास ये भी फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो दो में तो फर्स्ट पे लिखी हुई हैं, एक में नीचे क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ राइमिंग की वजह से मुझे करना पड़ा है भाई, क्योंकि यहाँ पे हिलाएंगे पानी निकालेंगे इस परफेक्ट राइमिंग, बट मैं ऐसा लिख देता पानी हिलाएंगे, पानी नहीं हिलाते हम, कुछ और हिलाते हैं तब पानी निकलता है ना, तो वो राइमिंग की वजह से मुझे वाटर को यहाँ पे सेकंड प्लेस पे डालना पड़ा है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वाटर जो कॉमन चीज़ है वो सेकंड प्लेस पे है, यहाँ फर्स्ट हाफ में फर्स्ट प्लेस पे है, एंड थर्ड हाफ में भी आपके पास फर्स्ट प्लेस पे है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ आप अगर भूल गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने पूरी ट्रिक ऐसे की ऐसे लिख दी और आपको ये याद रहा कि फर्स्ट वाले जो वर्ड्स हैं वो कॉमन है यहाँ पे, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये वाले तो आपके सही चले जाएंगे, एग्जांपल ये आपने बना दिया और यहाँ पे ये आपने बना दिया, ये परफेक्ट गए, बट अगर आपने HCl और वाटर के साथ साथ ये भी लिख दिया HCl एंड नाइट्रिक एसिड इज द पेयर विच लीड्स द नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन, तो आप मरोगे वहाँ पे, तो उस चीज़ से निपटने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ये चीज़ बना दी है यहाँ पे। आपको क्या करना है, पूरी ट्रिक बोल लो, आज अकेले चले फार्म पे, हिलाएंगे पानी निकालेंगे चूसेंगे दबाएंगे और इतिहास बनाएंगे, और उसी के आगे ये जोड़ देना, पहले में पहला दूसरे में दूसरा तीसरे में भी पहला, पहले में पहला दूसरे में दूसरा तीसरे में पहला। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी ट्रिक लिख लो और ट्रिक के आगे पूरे के पूरे आपके पास बिल्कुल वैसे के वैसे ही वर्ड्स लिख लो, ठीक है, HCl पानी सब के सब बिल्कुल ऐसा के ऐसा ही, और उसके बाद बस ये एक बार पढ़ देना है, तो पहले में पहला ये कॉमन है, दूसरे में दूसरा ये कॉमन है, तीसरे में भी पहला तो ये कॉमन है, अब आपके आगे कोई झमेला बचा ही नहीं, किसी भी पेपर किसी भी एग्जाम कोई कॉम्पिटिटिव हो कुछ भी आ जाए, अब आपको बस क्या करना है, इस ट्रिक को पढ़ना है, उसके आगे ये वर्ड्स लिख देने हैं रफ पे, और उसके बाद ये बस लगा देना है यहाँ पे, इन पे पेंसिल से या पेन से गोला कर देना है, और फिर क्या करना है, बस इनको कॉमन वालों
को एक 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 के संग मिला दो, एसीटोन गैलेलिन के संग, एसीटोन के क्लोरोफॉर्म के संग, और जो भी पेयर पूछा जाए आप बस वहाँ पर लिख देना। और सिमिलरली वैसे यहाँ पर एस सी एल इन वाटर इज द पेयर, नाइट्रिक एसिड इन वाटर इज द पेयर विच लीड्स टू नेगेटिव डाइवर्टिंग सॉल्यूशन, सिमिलरली सी एस सी एल थ्री एंड डाइथाइल ईथर, सी एस सी एल थ्री एंड बेंजीन, वेरी सिंपल। सो दिस इज द ट्रिक टू लर्न द नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन। नाउ गाइस, अगर ट्रिक याद करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, वहाँ इस ट्रिक के पीडीएफ के साथ साथ आपको और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। और अब फाइनली, अगर इस जैसी और भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स चाहिए तो ऊपर प्लेलिस्ट पर चले जाओ, और अगर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ जैसी चीज जानना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो को देख लो। इनके अलावा अगर पीसीबी से रिलेटेड और भी बढ़िया बढ़िया चीजें जानना चाहते हो तो पूरा की पूरा चैनल ही सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो तो यहीं खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।